नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कोरोना एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। नए वेरिएंट के मिलने से बाद सरकार भी इसे लेकर अलर्ट हो गई है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किया था। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने इसे लेकर बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि चीन से तमाम फ्लाइट्स पर रोक लगा दीजिए, ये राष्ट्रहित ही आपका कदम होगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के हटने के बाद वहां कोरोना वायरस संक्रमण में आई तेजी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चिंता जताई है। WHO चीफ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि वह चीन के हालात को लेकर बहुत चिंतित है और उन्होंने बीजिंग से स्थिति की गंभीरता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा गुरुवार की सुबह बोध गया पहुंचे। वे एक महीने के प्रवास पर गया पहुंचे हैं। नई दिल्ली से चार्टर प्लेन से गया एयरपोर्ट पहुंचे। यही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तिब्बती बौद्ध लामाओं के द्वारा उनको परंपरागत तरीके से वाद्य यंत्र वादन और मंत्रोच्चारण किया गया। उनके प्रवास स्थल और महाबोधि मंदिर को पंचशील पताकों से सजाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,850 करोड़ रुपए में जर्मन फर्म मेट्रो एजी के भारत में थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण से रिलायंस के मुखिया अरबपति मुकेश अंबानी भारत के विशाल खुदरा क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। खबरों के अनुसार इस डील में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अहम भूमिका निभाई है। नए DGP RS भट्टी ने सभी पुलिस अधिकारियों से अपराध रोकने का फॉर्मूला देते हुए कहा कि अपराधियों को दोहराओ तो वे अपराध कम करेंगे, अगर आप अपराधी को नहीं दोहराएंगे तो वह आपको दोहराएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपराधियों को दोहरा रहे हो या नहीं। अब मैं यह मानने को तैयार नहीं कि आप अपराधियों को दोहरा नहीं सकते। हॉटस्पॉट चिन्हित करो, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यही है। इसके लिए आपराधिक संगठनों का प्रोफाइल रखिए। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,515 पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,402 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 6 मामलों की कमी दर्ज की गई है। बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान को वापस लेते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान कहा था कि इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। चीन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस से मचे हाहाकार के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए इन प्रयासों का असर आज संसद में भी देखने को मिला है। शीतकालीन सत्र के बीच संसद के दोनों सदनों के सभापति आज मास्क पहने हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही संसद में सदस्यों के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की नेपाल की जेल से रिहाई होने वाली है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज को 19 साल जेल में बिताने के बाद उसकी उम्र के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। चार्ल्स दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से नेपाल की जेल में बंद है। अदालत ने रिहा होने के 15 दिनों के भीतर उसके निर्वासन का भी आदेश दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भारत को तमिलनाडु में मौजूद कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए एक खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल भी देने जा रहा है। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जितेंद्र सिंह ने कहा कि रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसेटॉम ने कुडनुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस फ्यूल की पेशकश की है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 साल में एक अभियान के तहत जब्त 1,513.05 करोड़ रुपए मूल्य की 2,800 किलोग्राम ड्रग्स को बुधवार को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के निलोठी में एक फर्नेस में जब ड्रग्स को नष्ट किया गया, उस वक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और निपटान समितियों के सदस्य मौजूद थे। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। अगर आपको नए साल पर मनाली घूमना है तो विंटर कार्निवल में शामिल हो जाइए। इस फेस्टिवल के जरिए आप न सिर्फ मनाली घूम सकते हैं बल्कि यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान को भी जान सकते हैं। किसी भी जगह को उसके टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से ही नहीं जाना जाता बल्कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति भी अहम होती है, जिसके जरिए आप वहाँ के परिवेश के बारे में समझ पाते हैं।
उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर पर 550 किलो सोने की रखवाली के लिए इस बार आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। 40 जवानों की एक टुकड़ी ने मंदिर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। बता दें कि शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद है। ऐसे में मंदिर समिति के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था। यहां का न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। इस दौरान केदारनाथ में 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ती है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2020 से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष अभियानों के लिए तैनात है। गरुड़ कमांडो चीन सीमा पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चीनी सेना के गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। गरुड़ कमांडो को कमिश्नर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। लियोनेल मेसी की लोकप्रियता अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बाद और बढ़ चुकी है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में उन्हें लेकर दीवानगी का माहौल है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ अर्जेंटीना पहुंचने पर उनका जिस तरह से स्वागत हुआ वो तो हम सबने देखा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इन सबसे ऊपर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना की सरकार मेसी की तस्वीर को वहां के बैंक नोट पर जगह देने के मूड में है। आईपीएल ने दुनिया भर के क्रिकेटरों को रातों रात करोड़पति और अरबपति भी बनाया है, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसने पैसों की परवाह नहीं करते हुए पिछले 8 साल से खुद को आईपीएल से बचाकर रखा है। ये स्टार खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क है। बता दें कि मिचेल स्टार्क ने साल 2015 के बाद से कभी भी आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया है। इस बार भी मिचेल स्टार्क ने खुद को आईपीएल 2023 से अलग रखा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई के लिए अच्छी खबर आई है और ये खबर उनकी कमाई के मामले से जुड़ी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने बुधवार को कहा कि इसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचोई के लिए एक नया इक्विटी अवार्ड तय किया है। इसके बाद उनकी आय का ज्यादातर हिस्सा उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के दो बड़े प्रायोजक एडिटिक मेजर बायोजूस और एमपीएल स्पोर्ट्स बीसीसीआई के साथ अपने प्रायोजन करार खत्म करना चाहता है। जून में बायोजूस ने करीब 3.50 करोड़ डॉलर में बोर्ड के साथ नवंबर 2023 तक अपना जर्सी प्रायोजन करार बढ़ाया था। बायोजूस अब बीसीसीआई के साथ अपना करार खत्म करना चाहता है, लेकिन बोर्ड ने कंपनी से कम मार्च 2023 तक करार जारी रखने को कहा है। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया को मजबूती मिली। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल के ऊंचे दाम और विदेशी पूंजी की निकासी की वजह से रुपए की बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.78 पर खुला और फिर इसमें 82.73 के उच्च स्तर को छुआ। पिछले बंद भाव के मुकाबले 10 पैसे की बढ़त के साथ रुपया 82.74 के स्तर पर आ गया। टीएमसी नेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी के ड्रेस पर विवादित बयान दिया है। दरअसल मोदी ने हाल ही में मेघालय दौरे के दौरान वहां की परंपरागत वेशभूषा पहनी थी। इसी वेशभूषा को लेकर कीर्ति आजाद ने तंज कसा है। वहीं भाजपा ने भी कीर्ति आजाद पर पलटवार किया है। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसे मेघालय के लोगों को अपमान बताया है। कोविड के इस डर के बीच एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का नया खोजा गया एक्सबीसी सब वेरिएंट 5 गुना अधिक घातक है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि इसके लक्षण अन्य सब वेरिएंट से काफी अलग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस व्हाट्सएप मैसेज को फर्जी और भ्रामक बताया है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर विश्वास न करें और न ही इसे आगे बढ़ाएं। आज 22 दिसंबर है, साल का सबसे छोटा दिन। इस दिन रोशनी सिर्फ 10 घंटे 41 मिनट ही रहेगी। साल के 4 दिन सबसे अहम होते हैं। जहां 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, वहीं 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह 21 मार्च और 23 सितंबर साल के 2 ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रद्द कर दी है। पार्टी महासचिव ने गुरुवार को कहा, प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चल रही थी, लेकिन कोविड को लेकर जो बात आई है उसको देखते हुए हमने यात्रा रद्द कर दी है। भाजपा ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि कांग्रेस ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से इनकार कर दिया है। कोरोना के चौथे लहर आने का डर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार एक के बाद एक एहतियातन बैठक कर रही है, लेकिन कोरोना को फिर से दस्तक की खबरों से सबसे ज्यादा एविएशन सेक्टर चिंतित है, जिसे कोरोना काल के दौरान भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। कोरोना के चलते बीते 3 वर्ष में एविएशन सेक्टर को 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार कोई बंदिश लागू करती है तो एविएशन सेक्टर की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है।
शुक्रवार को आईपीएल ऑक्शन 2023 का आयोजन होना है। इस पर आईपीएल ऑक्शन का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। आईपीएल 2023 का आगाज 16 अप्रैल से हो सकता है, जबकि 3 मार्च 2023 से विमेंस आईपीएल का पहला सीजन खेला जाएगा। विमेंस आईपीएल का पहला सीजन 23 दिनों तक चलेगा। इस तरह विमेंस आईपीएल 2023 का फाइनल मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। इस वजह से आईपीएल का 16वां सीजन 1 अप्रैल से शुरू होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा के नूह में मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, लेकिन ये यात्रा रोकने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जितनी कोशिश कर लो, हम टूटने वाले नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में एकाएक आय उछाल का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट हरे निशान पर खुला, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर जारी नहीं रह सकी। जैसे जैसे चीन समेत दूसरे देशों में कोविड के बेकाबू होने की खबरें आई, ये गिरावट आती चली गई। कारोबार के अंत में बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह टूट कर बंद हुए। इस दौरान बीएसई के सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज्यादा का गोता लगाया। फेक खबर फैलाने वाले अकाउंट्स पर सरकार की पैनी नजर है। केंद्रीय मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में 104 YouTube चैनल और 45 YouTube वीडियोस ब्लॉक किए गए हैं। ये जानकारी राज्यसभा में एक बीजेपी सांसद के सवाल का जवाब देते हुए दिया। सरकार के अनुसार 4 फेसबुक अकाउंट, 2 पोस्ट, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 ट्विटर अकाउंट और 3 पॉडकास्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन में कोरोना के तांडव ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना संकट से निपटने के सरकार के उपायों की जानकारी संसद में दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोरोना अभी नहीं गया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए हम सबको मास्क पहनना होगा। कोविड का प्रिकॉशन डोज लगाने के अलावा अभी भी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नूर उल्लाह, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अभिनेश कुमार, सुगंधी कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका आईपीएल में मन पसंदीदा टीम कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।